लेकिन हाँ मैं 10 मिनट में आज पहुंच गया गाइस, ये सबसे बड़ा बात है। मतलब यार फट के हाथ में आया, मतलब लेकिन मैंने रश नहीं किया, मैं 100-110 तक गया। लेकिन हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी वाचिंग ऑलवेज राहुल एंड टुडे इट्स अ ब्राइट सनी डे व्हिच इज माय फेवरेट वेदर। और लास्ट वाले व्लॉग में आपने देखा रहेगा, मैंने बोला था कि हो सकता है कि क्लाउडी रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लक एकदम फेवर में चल रहा है। आज एक खतरनाक वाला प्लान है, वो एग्जीक्यूट मैं कब करता हूँ वो आपको देखने पता चल जाएगा। और अभी मैं जस्ट नहा के आया, अभी बज रहा है 11:20। पुष्पांजलि है घर में, और जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया रहेगा कि हर साल अपने घर में सरस्वती पूजा होता है, तो इस साल भी हो रहा है। वैसे आपको पिछले वाले ब्लॉग में देखा रहेगा कि मैं मूर्ति लाने गया था, ऑफकोर्स मैंने आपको कुछ दिखाया नहीं था, तो अभी जाऊंगा नीचे और दिखाऊंगा। और आगे क्या प्लान है ब्लॉग आगे देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा। बस एक चीज़ तो बोलना चाहूँगा कि बारिश की वजह से काफ़ी अच्छा हुआ, अगर बारिश कल नहीं होता तो इतना खतरनाक और अच्छा वेदर नहीं रहता। देखिए कितना ही ब्राइट सनी वेदर है, और बिल्कुल भी मतलब ठंडा नहीं लग रहा है, गर्मी भी नहीं लग रहा है, कितना सही वेदर है। मतलब यहाँ पे देखिए सरस्वती पूजा यहाँ पे हर साल होता है, और हम लोग अपना DTPS में वन ऑफ द बेस्ट होता है ये। मेरे पास स्प्रे या वैक्स कुछ भी नहीं है, इसके वजह से बाल जो है मतलब कुछ है नहीं, इसलिए अभी हवा चल रहा है और बाल बिल्कुल अभी बाल पूरा गीला है, और इसको सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसके वजह से हवा भी चल रहा है तो बाल इधर उधर उठ रहा है। सच्ची बता रहा हूँ, ये मेरा फेवरेट वेदर है, ना गर्मी है ना ठंडा है, हवा भी मस्त चल रहा है। और अपना आज काफ़ी एक इंटरेस्टिंग प्लान है, शायद हो सकता है कि इस ब्लॉग में मैं वो इंक्लूड ना करूं। अगर इस ब्लॉग में इंक्लूड नहीं करता हूं तो ऑलरेडी आप लोगों ने वो चीज़ देख चुका होगा, अगर इस ब्लॉग में मैं इंक्लूड करता हूं तो वो चीज़ आप लोगों ने नहीं देखा रहेगा, तो इस ब्लॉग में देखते जाइए। गाइस अभी मैंने सिनेमैटिक शॉट शूट किया है, तो वो देख के आओ, उसके बाद मिलता हूं, तो इस चुटकी के बाद जाओ। गाइज मतलब आप एक्सपेक्ट करते हो कि किसी आदमी से लेट होगा भी, तो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लेट होगा, लेकिन आज वैसा नहीं हुआ। आज एक्चुअली हुआ क्या ना कि टाइम मिला था 10:30-11 के अंदर वो आएंगे, और प्रोबेबली वो आए 12:30 बजे, और अभी 1:16 हो रहा है, अभी जाके सब कुछ कम्प्लीट हुआ, पूजा पुष्पांजलि, इसके वजह से अभी थोड़ा प्लान बनता घूमने जाने का। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि अभी जो घूमने वाले थे हम, तो वो थोड़ा लेट हो गया ना, तो इस प्लान की वजह से दूसरा वाला प्लान भी और ज्यादा लेट हो जाएगा। लेट्स सी। तो गाइस अभी हम लोग थोड़ा टहलने निकले हैं, और अभी ठंडा लग रहा था तो ये पहन लिया, इसके ऊपर अच्छा भी लगेगा। टहलने नहीं निकले, बाइक से टहलने निकले हैं, और अभी काफी ज्यादा हवा चल रहा है, तो अभी आपको विंड ब्लास्ट आ रहा होगा, देखते हैं आगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा। ऑफ व्हाइट। तो गाइस ये मेरे घर के पास बना है पंडाल, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार अच्छे से, भी बन रहा है और अच्छे से बन रहा है, काम चल रहा है ना। तो गाइस आज का प्लान ये है कि आज हम लोग जा रहे हैं बेलिया तौर, वेस्ट बंगाल का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चाय का दुकान है वहाँ पे, तो लालू टी शॉप जरूर जाइए और चेक कीजिए एकदम। आप देखिए आज मतलब YouTube पे ये कंटेंट नहीं है, आप पहली बार होगा ये कंटेंट, आज काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो जिक्सर ऐसे भी है आज, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 भी है, ड्रैग रेस होगा आज, ड्रैग रेस तो नहीं होगा लेकिन पूरा मजा होगा आज पूरा मजा मा, पूरा मजा मा। यहाँ पे भी एक छोटा सा हुआ है, देखिए अभी आगे निकल गए वो लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम लोग भी निकल जाएंगे, अपने पास स्पोर्ट्स बाइक है, एकदम फुर्र से निकलेंगे। একদম
तो अभी भैया लोग चले गए आगे, तो वो लोग को तेल भराना था। अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट किए छोटा सा, और मैं आपको बता देना चाहूँगा बेलियातोर यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। और बेलियातोर कहाँ पे है, वो है बेसिकली बांकुड़ा के अंदर, और अप डाउन मिला के आज 70 किलोमीटर होने वाला है, तो काफ़ी खतरनाक, उससे भी ज़्यादा होगा। রাহুল ভালো করে জানে নাকি রাহুল? Thank you.
फाइनली 10 मिनट के अंदर दुर्गापुर बैरेज से लालू टी शॉप मतलब बेलिया तौर हम लोग पहुंच गए। गाड़ी एकदम फुल टू 100 लगभग मेरे हिसाब से मान लीजिए 18-20 किलोमीटर होगा। 10 मिनट में पहुंच गया मैं। 18-20 किलोमीटर फील ही नहीं हुआ, मतलब 18-20 किलोमीटर नहीं ज्यादा होगा मेरे ख्याल से, 20 किलोमीटर तो मिनिमम होगा। और एकदम मतलब गाड़ी चल रहा है 110-105 नहीं ज्यादा, मैंने ज्यादा रश नहीं किया, जस्ट हल्का फल्का कट कुट मार के, मतलब मैंने स्टॉप नहीं किया एक्चुअली। लेकिन लिटरली कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मजा आया है बहुत सालों के बाद हाइपर राइडिंग करके, बड़ा मजा आ रहा है। ऑफकोर्स पहले जैसा हाथ तो नहीं है, डेफिनेटली थोड़ा चलाना पड़ेगा तो थोड़ा हार्ड बैठ जाएगा तो अच्छा लगेगा, और फास्ट चला सकता हूँ, थोड़ा अभी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है, लेकिन ट्राई करता हूँ। बहुत दिनों से बाइक नहीं चलाएगा, ज्यादातर कार चलाते हैं जनरली, इसके वजह से हुआ रहेगा। लेकिन हाँ मैं 10 मिनट में आज पहुंच गया गाइस, ये सबसे बड़ा बात है। मतलब यार फट के हाथ में आया, मतलब लेकिन मैंने रश नहीं किया, मैं 100-110 तक गया। लेकिन वीडियो में शायद देख लोगे, जिग-जैग करके मैं निकल के आ गया, मैंने वीडियो काटा ही नहीं है, मैंने वीडियो जहां बाय द वे जो सरप्राइज बोल रहा था वो सरप्राइज यही है, यही था बिकॉज इसके लिए थोड़ा प्लान करना पड़ता है, बिकॉज डिस्टेंस घर से बहुत ज्यादा होता है, मेरा टाइम नहीं बैठता, इसका टाइम नहीं बैठता, भैया लोग का टाइम नहीं बैठता, तो बहुत कोशिशों के बाद आज टाइम मिला, देन फाइनली वी आर हियर। अभी पता नहीं वो लोग कब आएंगे, वो लोग कब आएंगे कोई आइडिया नहीं है, वो लोग हमारे पीछे ही थे, बहुत पीछे है, डेफिनेटली बहुत पीछे है, मुझे पता है 110-100 पे मतलब एवरेज ऐसे कुछ चला था 95। मैं एवरेज मतलब 95-97 हाँ आराम से मैं मतलब मैं गाड़ी स्लो नहीं किया, मैं मतलब क्या गाड़ी चलाया इन्होंने, मजा आ गया। पहले तो और भी हाथ अच्छा था लेकिन मैं प्रैक्टिस छोड़ दिया था, दैट्स व्हाई अभी थोड़ा बिगड़ रहा है, ठीक है कोशिश करेंगे। हाथ दर्द कर रहा है मैं काफी देर से इसी हाथ से, मतलब कमेंट करना कैसा लगा, कमेंट करना जरूर, कमेंट करना गाइस, शेयर करो इस वीडियो को। फाइनली वी आर आउटसाइड द लालू टी शॉप, देखिए, और इसी को यहीं तक आने के लिए इतना तरस रहे थे हम, यहाँ पे काफी कुछ मिलता है, चाय केले के सब कुछ। अभी चाय पीना हुआ, और क्या बोलना चाहेंगे बुम्बादा चाय को लेके, हम नहीं आ रहे, आप आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, लेवल 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 का चाय, वर्थ इट है चाय। वो जो घूम ना ही लग लो। ओके गाइस, टाइम टू लीव, अभी सब कुछ हो गया है, सब कुछ हो गया है, मतलब खाना पीना घूमना टाइम वेस्ट करना हो गया है, अब हम लोग का टाइम आ गया निकलने का। अभी वैसे बज रहा है 5:15 और थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, अभी को पता है कि जल्दी अंधेरा होता है, तो आगे जाके वो जो जंगल था ना वो जंगल पे जाके रुकने का प्लान है, तो चलते हैं। Thank you.
तो गाइस अभी देखिए जंगल का ये प्लान तो था जंगल के इट में रहने का, लेकिन अभी देखिए जंगल का ये स्टार्टिंग एरिया है बिल्कुल। और यहाँ पे इतना ज्यादा ठंडा हवा चल रहा है, लिटरली जो फील आया ना जाने टाइम, क्या हुआ ना जाने टाइम, मतलब विंड ब्लास्ट लिटरली है ही नहीं, तो इसके वजह से चौथे गियर पे 103-104 चला जा रहा है, फिर जैसे ही पांचवा गियर गिरा 112-113, यार मतलब लिटरली फील ही नहीं हो रहा है। और जब जाने जब हम लोग जा रहे थे उधर, तब मतलब उठ ही नहीं रहा था पिकअप, इसके वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। विंड ब्लास्ट बहुत ज्यादा था, इस बार विंड ब्लास्ट है ही नहीं, सुबह से रोड इस बार ज्यादा खाली है। देखिए ये तो जंगल का बिल्कुल स्टार्टिंग एरिया है, और आगे तो आपने देख ही लिया रहेगा व्लॉग में, तो अभी काफी एंजॉय कर रहे हैं। और अभी अपने एरिया में आ ही गए हम लोग, तो और डस्ट सीधा मुंह पे, मतलब डस्ट इतना ज्यादा है यहाँ पे, क्या बोलते हैं। वेल आई थिंक गाइस दिस ब्लॉग इज इनफ लॉन्ग, इतना बड़ा ब्लॉग बना, इतना इंटरेस्टिंग ब्लॉग बना, आपको आशा करता हूँ बहुत मजा आया होगा। आज का जो दिन था यार, मतलब लिटरली बताऊँ तो भूलने लायक नहीं था, ये दिन हमेशा याद रहेगा क्योंकि ये दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और ये ब्लॉग अभी सरस्वती माँ के साथ एंड हो रहा है, तो गाइस आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो आगे शेयर करो और वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को प्लीज़ गाइस। इतना मेहनत से मैं वीडियो बना सकता हूँ, तो आप तो ये छोटा सा काम कर ही सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग भी हो सकता है इस काफ़ी अच्छा हो, तो बाय गाइज़।